नारायण सेवा समिति व नारायण संकीर्तन महिला मंडल की ओर से श्री कृष्ण मुरारी मंदिर गोपाल नगर में स्वामी नारायणानंद तीर्थ महाराज जी के सानिध्य में 8 दिवसीय श्री शिव पुराण कथा महायज्ञ के 3रे दिन की शुरुआत हुई। इस कथा के दौरान विधायक बाबा हेनरी, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, कांग्रेसी नेता रमित दत्ता ने विशेष रूप से शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर काशी धर्म पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ महाराज ने उपस्थित भक्तों को कहा कि शिव ही कल्याण है और शिवजी में ही मनुष्य की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपनी दिनचर्या में शिवजी की भक्ति को शामिल करना चाहिए। इस मौके पर श्री कृष्ण मुरारी मंदिर के प्रधान सीएल कोचर, महासचिव उमा महेश्वर, संकीर्तन मंडली की प्रधान वीना शर्मा, हिंद क्रांति दल के प्रधान मनोज नन्ना, नारायण सेवा समिति से हरेकांत झा, अजय मल्होत्रा, जीवन शर्मा, विष्णु जोशी, अशोक मेहरा, धर्मेंद्र सिंह, संजय चड्डा, माया राम पांडे, सुरेंद्र, वीपी सिंह शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। भगवान की लीला शक्ति के द्वारा ये सब हो रहा है, ये ध्यान रखें। तो इसलिए सभी गंगाजी को चाहिए कि शिव तत्व का दर्शन प्रतिदिन करते रहें। एक शिवलिंग की पूजा करने से सब देवताओं की पूजा हो जाती है और सब कुछ हो जाता है, इसलिए सनातन धर्म में इनका विशेष महत्व है। हर नारी शक्ति की स्वरूप है, हर पुरुष शिव जी का स्वरूप है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि हमारा स्वरूप क्या है, हमारा स्वरूप कितना निर्मल है, हमारा सबका स्वरूप कितना पवित्र है, हमारा सबका स्वरूप कितना सच्चिदानंदमय है। कि माया में जगत में आकर के लोग इसको भूल जाते हैं, उसको याद दिलाने के लिए हमारी नारायण सेवा समिति के द्वारा शिव महापुराण का आयोजन इस गोपाल मंदिर में रखा गया है। इसलिए आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है कि हमें स्मृति हो जाए,